बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने योगी मॉडल को लेकर दिए गए बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा ही नहीं है, क्योंकि यहां के दोनों डिप्टी सीएम खुद को काबिल नहीं समझते। बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि उनके नेताओं में सीएम पद संभालने की या काम करने की काबिलियत नहीं है। साबित कर दिया कि कोई किसी भी बीजेपी के नेताओं में मुख्यमंत्री पद की या काम करने की किसी में काबिलियत नहीं है। अब जिस राज्य में दो उप मुख्यमंत्री हो, केंद्र में सरकार हो और सबसे बड़ी पार्टी हो, एक भी कोई काबिलियत ही नहीं है, यानी वही कर रहे हैं तो हाथ खड़ा करना हुआ ना, सरेंडर। तो वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। राजनीति में बड़े से बड़े सुर में अब अर्श से फर्श पर पहुंच जाएं, इसका अनुमान लगाना कठिन है। ऐसी स्थिति में फिलहाल वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी पहुंच गए हैं। मुकेश सहनी ने सोमवार को मतदान केंद्र पर विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान किया है। उन्होंने वोट देने के बाद इसका खुलासा भी कर दिया। माना जा रहा है कि मुकेश सहनी ऐसा करके नए राजनीतिक समीकरण का संदेश दे रहे हैं। और हमारे भी पूरे बिहार में 7 जगह प्रत्याशी हमने उतारा है, 2 जगह निर्दलीय को समर्थन दिए हैं। अब मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं और ये तो जनप्रतिनिधि के ऊपर है कि किनके साथ चलना है, किस तरीके से है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे प्रत्याशी के ऊपर भी लोग पसंद करें। और हम लोगों ने लोगों के जनता को जनप्रतिनिधि को जीतने के लिए हम लोगों ने प्रत्याशी को उतारा है और देखिए रिजल्ट आएगा तो उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रत्याशी भी जीते। तो वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश में विधान परिषद की 24 सीटों पर बीते सोमवार चुनाव के लिए मतदान हुआ और इस दौरान सिवान के एमएलसी निर्दलीय उम्मीदवार रहीस खान पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई है और इस जानलेवा हमले में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, इनमें से 2 रईस खान के समर्थक शामिल हैं और हमले में रईस खान बाल बाल बच गए हैं, जिसके कारण ग्रामीणों ने सिवान के सिसवन के महाराणा चौक पर चक्का जाम कर प्रशासन से न्याय की मांग करने लगे हैं। तो वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार के सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ मंदिर की मान्यता पूरे प्रदेश में विख्यात है और साथ ही आपको बता दे कि हरिहर नाथ मंदिर को लेकर लोगों की आस्था एक तीर्थ स्थल जैसी है। मंदिर की महिमा इतनी है कि भक्त अपने आप ही यहाँ खींचे चले आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने और भगवान हरिहरनाथ के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है और इसी दिन से सोनपुर में पशु मेले की शुरुआत होती है। इस मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन कुमार चंचल ने। आज हम पहुंचे हुए हैं बाबा हरिहरनाथ के नगरी सोनपुर में और आपको हम आज बाबा हरिहरनाथ से दर्शन कराएंगे, उनके विशेषताएं बताएंगे। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ हैं और इनसे दर्शन करने के बाद जो भी लोगों की मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाते हैं। हम डायरेक्ट आप चलते हैं बाबा से दर्शन कराएंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये मंदिर हैं और यहीं बाबा हरिहरनाथ हैं और इनसे दर्शन करके जो भी लोग निकलते हैं उनकी मनोकामना सारी पूर्ण होती है। हम डायरेक्ट मंदिर में चलते हैं और बाबा हैं उनसे भी बात करेंगे। हम आपको दिखा दें कि यही विश्व प्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ की मंदिर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में वाली बात ही कि हम बाबा हरिहरनाथ के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और बाबा हैं उन्हीं से जानकारी लेंगे कि इस मंदिर की विशेषताएँ क्या है। ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और विश्व प्रसिद्ध मंदिर माना भी जाता है और जो भी लोग यहाँ दर्शन करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। डायरेक्ट हम बाबा से बात करेंगे। बाबा, ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, बाबा की क्या क्या खैसियत है कि बड़ी दूर दूर से लोग आकर इनसे दर्शन करते हैं? ये बाबा हरिहरनाथ का मंदिर है, पूरे एशिया महादेश में एक यही मंदिर है जहाँ हरि और हर, शिव और विष्णु दोनों एक साथ विराजते हैं। और कहीं भी जाएंगे जहाँ शिव हैं वहाँ विष्णु नहीं है और जहाँ विष्णु हैं वहाँ शिव नहीं है। एक यही स्थान है जहाँ हरि और हर, शिव और विष्णु, स्वयं ब्रह्मा द्वारा स्थापित ये शिवलिंग है जो हरिहरनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। पूरे एशिया महादेश में 4 क्षेत्र है, 2 क्षेत्र नेपाल में है, 2 क्षेत्र इंडिया में है। एक ये हरिहर क्षेत्र, एक कुरुक क्षेत्र जहाँ महाभारत हुआ है, एक बारा क्षेत्र, एक मुक्ति क्षेत्र जो नेपाल में पड़ता है। ये चारों क्षेत्र में ये महाक्षेत्र है जो हरि और हर के नाम से प्रसिद्ध है। पद्म पुराण में हरिहरनाथ का वर्णन है। पद्म पुराण में एक श्लोक है, गंडकी गंग्योर मध्य क्षेत्रम हरिहराविधम तत्र स्नात्वा जलम पीत्वा नरो नारायणम भवेत्।
यहाँ गंगा और गंडकी का संगम है। इस नदी में जो भी भक्त स्नान करके जलाभिषेक करके चरणामृत पान कर लेते हैं वो नर जो है नारायण के तुल्य हो जाता है। आजन्मम संचितम पापम ज्ञाना ज्ञान कृतं चेत मदवंशे योस्ति धर्म कदा क्षेत्र गमिष्यति। आपके जन्म में कोई भी पाप संचित यानी इकट्ठा करना, कोई भी पाप अगर हो गया हो और आपके वंश में कोई भी आदमी आकर के यहाँ बाबा का पूजा पाठ कर लेता है तो उसका वंश का पाप धुल जाता है, ऐसा पद्म पुराण का वर्णन कहता है। ये 28वां मनमंत्र के पूर्व, एक मनमंत्र 1000 वर्ष का होता है, अभी 42वां मनमंत्र चल रहा है, यानी 14000 वर्ष पहले स्वयं ब्रह्मा ने हरि और हर का स्थापना यहाँ किया है जो पद्म पुराण में वर्णित है। तो बता दें कि विश्व प्रसिद्ध ये सोनपुर मेला यहाँ पे भी लगता है जहाँ पे हर जानवर यहाँ पे बिकते हैं और हर जानवर भी मिलते हैं, और जो भी लोग आते हैं वो पहले बाबा हरिहरनाथ से दर्शन करते हैं उसके बाद मेला में प्रवेश करते हैं। तो आप देखते रहिएगा TNP न्यूज, कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं चंदन कुमार चंचल छपरा। इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए TNP न्यूज। नमस्कार।